वी विल स्टार्ट विद वजाइना. वजाइना इज़ अ मस्कुलर ट्यूब, ठीक है, दैट इज़ 3 inches लॉन्ग. और इसका एक्सटेंट क्या होता है? इट एक्सटेंड्स अपवर्ड एंड बैकवर्ड फ्रॉम वल्वा टू द यूट्रस, ठीक है. वल्वा यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वहाँ से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड करती है. देयर इज़ अ मस्कुलर ट्यूब जो कि 3 inches लॉन्ग है, इसको हम वजाइना कहते हैं. और इसकी दो वॉल्स होती हैं, देयर इज़ एन एंटीरियर वॉल एंड देयर इज़ अ पोस्टीरियर वॉल, ठीक है. ये वजाइना इसकी एंटीरियर वॉल है और ये इसकी पोस्टीरियर वॉल है. एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्स दोनों बराबर नहीं होती. एंटीरियर वॉल 8 सेंटीमीटर होती है, पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर होती है. एंटीरियर वॉल छोटी इसलिए होती है क्योंकि आगे सर्विक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है. अब इसकी एंटीरियर वॉल पे सर्विक्स इसको पियर्स करता है और वो डाउनवर्ड और बैकवर्ड इनटू वजाइना चला जाता है. ओके, अब जो पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स, वो इसको डिवाइड करते हैं इनटू अपर हाफ एंड लोअर हाफ. जो पोर्शन पेल्विक फ्लोर से ऊपर आ जाएगा दैट विल बी अपर हाफ ऑफ द वजाइना, और उससे नीचे लोअर हाफ आ जाएगा, ठीक. अच्छा, नेक्स्ट फॉर्निसेस ऑफ वजाइना क्या होते हैं? फॉर्निसेस ये होता है कि वजाइनल ल्यूमिन के कुछ रिसेसेस होते हैं अराउंड द सर्विक्स, उन्हें हम कहते हैं फॉर्निसेस. दे आर 4 in number. देयर इज़ एन एंटीरियर फॉर्निक्स, पोस्टीरियर फॉर्निक्स और 2 lateral होते हैं. ये इस फिगर में ज़्यादा क्लियर. ओके, ये एंटीरियर फॉर्निक्स, दिस इज़ पोस्टीरियर फॉर्निक्स, और ये साइड पे लैटरल फॉर्निसेस होते हैं, ठीक हो गया. अच्छा जी, उसके बाद है व्हाट इज़ हाइमन. हाइमन इज़ अ म्यूकोजल फोल्ड दैट सराउंड्स द वजाइनल ओपनिंग. दिस इज़ वजाइनल ओपनिंग. ये हाइमन एक म्यूकोजल फोल्ड है जो कि बीच में परफोरेटेड होता है ताकि उस वहाँ पर वजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है. एंड दिस म्यूकोजल फोल्ड ब्रेक्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स. और आफ्टर चाइल्ड बर्थ इसमें क्या चेंजेस आते हैं कि इट कंसिस्ट ओनली ऑफ टैग्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाइमन टैग्स की फॉर्म में सिर्फ ये रह जाता है. हाइमन टैग्स क्या चीज़ होती है? इट्स अ म्यूकोजल फोल्ड अराउंड द वजाइनल ऑरिफिस, सॉरी, इट्स एन आउटग्रोथ ऑफ द एक्स्ट्रा हाइमन टिश्यू, ठीक है. आफ्टर चाइल्ड बर्थ हाइमन टैग्स रह जाते हैं, जो हाइमन टिश्यू थोड़ा बहुत बचा होता है वो आउटग्रो करके टैग्स की फॉर्म में अपीयर होता है. नेक्स्ट इज अ टर्म विच इज़ नॉन एज वजाइनल वॉल्ड, ठीक है. जिस तरह रेक्टम में एक्सपेंडेड पोर्शन को हम कहते हैं रेक्टल एम्ब्यूला, बिल्कुल इसी तरह वजाइना का एक्सपेंडेड पोर्शन होता है दिस, ठीक है. ये वजाइना का एक्सपेंडेड पोर्शन ऊपर है, इसे हम वजाइनल वॉल्ड कहते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद रिलेशंस ऑफ वजाइना. ओके, एंटीरियरली देयर इज़ ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, दिस इज़ वजाइना. वजाइना का अपर पार्ट देखें तो इज़ रिलेटेड टू ब्लैडर और लोअर पार्ट इज़ रिलेटेड टू यूरेथ्रा. पोस्टीरियर रिलेशंस इसके हम देखते हैं तो पोस्टीरियरली अपर 1/3 में देर इज़ रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है. 1/3 में रेक्टो यूट्राइन पाउच है, फिर मिडल 1/3 में रेक्टल एम्प्यूला यानी रेक्टम का एक्सपेंडेड पोर्शन है, और लोअर 1/3 में देर इज़ अ फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज़ नॉन एज पेरिनियल बॉडी, ठीक है. नेक्स्ट वी विल कम टू इट्स लैटरल रिलेशंस. ओके, लैटरली, ओके जी, लैटरल रिलेशंस आ जाते हैं वजाइना के. लैटरली अपर 1/3 में देयर इज़ यूरेटर, ठीक है. उसके बाद मिडल 1/3 में लिवेटर एनाई के फाइबर्स जो दोनों साइड से आते हैं, और लोअर 1/3 में देयर इज़ यूरिनो जेनिटल डायफ्राम जिसकी 2 लेयर्स होती हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर. एंड एक और भी चीज़ है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल. बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल ये हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया में देखेंगे कि कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से किस तरह बनता है, ठीक है. नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो फंक्शंस ऑफ वजाइना पे. वजाइना के क्या क्या काम है? एक तो जेनिटल कैनाल के तौर पे एक्ट करता है, देन मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, एंड देन बर्थ कैनाल. आर्टेरियल सप्लाई वजाइनल आर्टरी है और यूट्राइन आर्टरी है, ठीक है. वजाइनल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ इंटरनल इलेक आर्टरी. यहाँ पे देखेंगे